हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और हर कोई कपल चाहता है कि वो अपनी शादी को एक बेस्ट मोमेंट बनाए, और बेस्ट मोमेंट के लिए मुझे लगता है कि डांस ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को लोगों के सामने लेके आ सकता है। हम सब जानते हैं कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में से थोड़ा टाइम निकाल के डांस सीखे। आई एम यतिन गुप्ता स्टेप टू स्टेप डांस स्टूडियो की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सिंपल और बहुत मेलोडी सॉन्ग लेके आ रहा हूँ, जिसे आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी फंक्शन पर, अपने रिसेप्शन पार्टी पे, अपने गेट टूगेदर पार्टी में परफॉर्म कर सकते हैं। और सॉन्ग का नाम है इफ यू होल्ड माई हैंड्स एंड द मूवी इज ABCD2। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस डांस ट्यूटोरियल के थ्रू, और आप लोग सीख सकते हैं अपने मनपसंद डांस, अपने मनपसंद स्टेप्स सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर। और आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टेप टू स्टेप डांस स्टूडियो के यूट्यूब चैनल। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, इट विल बी अ पोस्टर, ठीक है, हमने पोज में खड़े रहना है, और जो पोज का जो काउंट होगा वो हमारे 8 बीट्स का होगा, जिसमें हमने 6 बीट्स में सिर्फ पोज में रहना है, और उस पर 2 स्टेप्स में वी हैव टू टेक अ स्टेप। शुड वी स्टार्ट? ओके, सो हम लोग अपना, वी आर गोइंग टू मेक अ पोज। हमारा जो पोज होना चाहिए, इसमें जो फीट्स हैं that should be close, ठीक है, the boy feet should be left and the girl's feet should be right, ठीक है, it should be close and we have to hold the hand, ठीक है, the boy should hold the hand of the girl, ठीक है, और ऊपर से आपका जो second arms है, you have to make a heart, see this, यहाँ पर दिल बनना चाहिए, यहाँ पर starting pose है, यहाँ पर एक दिल form होना चाहिए, it should be like this, और आपका जो face movement है, that should be straight towards the audience. Okay, so it will be go with the count 1 2 3 4 5 6. Okay, so ye hamara 6 count tak hamara ye pose rahega, uske 7 8 pe we have to take a step, ye 2 counts mein hoga, ye jo humne step karna hai isko humne 2 count mein finish karna hai, it will be 5 6 7 start 1 and 2. So next step hamara hoga, we have to take a move forward, बट हम लोग जो मूवमेंट करेंगे वो zigzag करेंगे, सो वी टू टेक अ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम राइट फीट, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6. सो फ्रेंड्स, हमने फॉरवर्ड मूव किया, अब इसके बाद हमने सिंपल, वी हैव टू टेक अ टर्न, इस टर्न में हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, द मेल विल बी द ऑपोजिट टुवर्ड्स फीमेल, ओके, सो देखिए हम इस स्टेप को कैसे करेंगे पूरा, वी हैव टू टेक 8 काउंट्स, ओके मैम, लेट्स स्टार्ट, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8. ध्यान रखना है कि आपका अपने पार्टनर के साथ आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ओके, आप लोग गर्ल का हैंड होल्ड करेंगे, ओके, एंड वी विल टेक अ स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8. आपने जैसे कि देखा था इससे पहले वाले स्टेप में हमने 7 8 पे रोटेशन किया था, वी हैव टू गिव एक स्पिन किया था, स्पिन में हमारे हैंड मूवमेंट से आ गई थी, इस पर नेक्स्ट हमारा फीट मूवमेंट है, जो फीट मूवमेंट है ये शुड बी, हम इसका सेम फीट मूवमेंट को आउट करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस स्टेप पे आप अपना फंक्शन देखिए कि आपकी मूवमेंट्स कैसे होंगी, फर्स्ट यू हैव टू होल्ड द हैंड्स ऑफ योर पार्टनर, और आपको जो मूवमेंट करना है, बॉय का लेफ्ट फीट आउट होगा और गर्ल का इसी तरह राइट फीट, इट शुड बी आउट इन आउट इन आउट इन आउट एंड स्ट्रेट। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने 7 के बाद 8 पे हम वी आर बी स्ट्रेट, हम लोग स्ट्रेट हो गए थे, इस पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 2 3 एंड 4, इसमें आपको ट्विस्ट और क्रॉस एक साथ करना है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है फीट मूवमेंट का, देखिए कि हमारे एक बार ट्विस्ट होगा और एक बार हमने फीट को ट्विस्ट और क्रॉस एक साथ करना है, 1 2 3 4, जैसे कि हम लोग आपने देखा था कि हम लोग 4 स्टेप्स में ट्विस्ट और क्रॉस करके हमने मूवमेंट किया था लेफ्ट साइड में, अब इसके बाद हमें जब वापस आना है हमें सब फीट्स को सिंपल टैप करना है, और टैप करते हुए बॉय पीछे रहेगा और गर्ल बॉय के आगे आएगी, देखिए हम इस स्टेप को कैसे करेंगे, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4, जैसे कि हम लोग अपनी स्पेस पे वापस आ गए, और आपने देखा है कि नेक्स्ट लास्ट स्टेप में जो गर्ल है वो बॉय के आगे रहेगी,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमने वेव और पॉइंट एक साथ करना है। आपको दिखाते हैं कि ये स्टेप कैसे होगा, हमने वेव और पॉइंट, ठीक है, ओके। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 और 6 स्टेप में पॉइंट आउट खत्म होगा। इस पर फिर बॉय और गर्ल एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, बॉय अपना राइट फीट रोटेट करेगा और गर्ल अपना लेफ्ट फीट। इट इज 5 6 7 8। जैसे कि हम लोगों ने अपना लास्ट स्टेप फिनिश किया और बॉय और गर्ल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, इस पर हम लोगों ने फीट मूवमेंट करना है। जो फीट मूवमेंट होगा वो क्रॉस पोजिशन पर रहेगा, ठीक है, और सेम फीट यूज होगा। जैसे कि अगर बॉय का फीट राइट होगा तो गर्ल का फीट भी राइट मूवमेंट में ही रहेगा। इस स्टेप के लिए आपको अपने आर्म मूवमेंट्स का खास ध्यान रखना है कि जब आप लोग सेंटर में हैं तो आपके आर्म्स क्लोज रहेंगे, जैसे आप फीट मूवमेंट करेंगे तो आपका आर्म ओपन रहेगा। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने इस राउंड में खास ध्यान रखना कि आपका आई कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ बने रहना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने इसमें सिंपल गर्ल को मूव करना है, आप गर्ल को पुल करेंगे फर्स्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। इस स्टेप के बाद हम लोग फोर वे मूवमेंट करेंगे अपनी जगह पर ही, और फीट मूवमेंट आ जाएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसमें हमें वेव मूवमेंट करना है, फीट को टैप करना है। जिस तरह आप वेव कर रहे हैं वही फीट आपका टैप होगा। गर्ल और बॉय का इसमें सेम फीट चलेगा। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4। इसके बाद आपने फोर स्टेप्स में आपको आर्म्स को अप टू डाउन ले जाना है, 1 2 3 4। लास्ट अपने सिर्फ और सिर्फ गाने की मेन टैगलाइंस पे मूव करेंगे, ठीक है। इसमें बॉय लेफ्ट साइड आउट होगा और गर्ल राइट साइड होगी। इट इज 1 2, और इसी तरह हम लोग बैक आएंगे वापस, 3 4। और एक छोटे से स्टेप्स होंगे जिसमें मेन कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो बॉय का रहेगा। इट इज 5 6 7 8। आप सिर्फ फीट को क्रॉस करना आप देखेंगे। इट इज 1 2 3 4। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब आपका फीट क्रॉस होगा बॉय ने अपना एक स्टेप करना है, इट शुड बी 1 2 3। तुमको छू ले जो हवा उसे छूना चाहूं मैं, I don't wanna go on and make castles in the sand. Tu jo sanchale na honge tanha raste. I'm gonna love you like no one ever can. Oh.